सम्राट को एक विशेष सूचना देनी है। सुदूर दक्षिण से आए विद्वान सम्राट से भेंट करने को उत्सुक है। नगर में आज ही उन्होंने दक्षिण द्वार से प्रवेश किया है। अमात्य सागर वसु, वे किस विषय के विद्वान है? ज्योतिष विज्ञान के पंडित स्वयं को बतला रहे, ग्रह नक्षत्रों के विद्वान के रूप में उनकी ख्याति है, उन्होंने स्वयं बताया। आपने किसी भी रूप में उनकी कही गई बातों का परीक्षण निरीक्षण किया या केवल उनकी बताई बातों का ही कह रहे हैं? मुझे मौका नहीं मिला सम्राट कि मैं उनका परीक्षण और निरीक्षण कर सकूं। अमात्य सागर वसु, हमारे गुप्तचरों की उनके विषय में क्या सम्मति है? नगर में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पे उनकी भेदी दृष्टि रहती है। गुप्तचर विधिवासन ने यह सूचना भेजी है, ये व्यक्ति सम्राट के किसी आगे जानकारी देने का चेष्टा कर रहा है। दक्षिण द्वार के पास के भोजनालय के संचालक से उन्होंने सम्राट के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए, ये विधिवासन ने करवाया। देखने में कैसा है ये विद्वान? देखने में साधारण ब्राह्मण जैसा ही दिखाई दे रहा है, पर माथे पर चंदन का त्रिपुंड धारण किए हुए, हाथों में मोटी पांड रूपी का सदृश लिए हुए, चेहरा अज्ञात ब्राह्मण जैसा नहीं है। हाँ, चार धार में साधन सही सा चपल है। उसके विवरण से तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे उससे मिलना चाहिए, किंतु हाँ, यदि आवश्यक समझे तो उसे आर्य महामात के चाणक्य के पास पहुंचाए ताकि उसके पांडित्य का पक्का पता चले। महामात, क्या आप सहमत है? सम्राट, मुझ तक उसे लाए जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं उससे मिल लूंगा। मां, यदि उचित समझे उसे कुछ धनराशि रात को उसे दिलवा दे। सम्राट, समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना और दिन में दिया बाती जलाना आदि बातें व्यर्थ है। सम्राट, मैं नौकरी परिषद में आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन रखना चाहता हूं। अवश्य रखे महाभाग। हमें नंदवंश का समूल नाश किए हुए और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता स्थापित किए हुए कुछ ही समय बिताए। हम भारतवर्ष को विशाल और अखंड साम्राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। हिमालय से समुद्र तक फैला हमारा भूखंड साम्राज्य का स्वाभाविक क्षेत्र होना चाहिए। ये आज हमारा सपना कहा जा सकता है जो आसान भले ही ना हो, किंतु इसे वस्तु स्थिति में बदलना संभव। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमारे राज्य अलग अलग है। यहाँ कुछ राज्यों में राजा का शासन है तो कुछ गणतंत्र है, किंतु पूरे आर्यवर्त की संस्कृति एक है। यहाँ की प्रजा की सोच एक है, उनके आर्य स्थल एक है, उनके पूर्वज एक है, उनकी धमनियों में बहने वाला रक्त एक है। इसलिए हमें भारतवर्ष की अखंडता के लिए प्रयासों की पराकाष्ठा करनी होगी और इसकी शुरुआत हमें मगध राज्य से करनी होगी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य से। अमात्य आर्य महाभाग ने आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विचार रखा है, इस विषय पर आप अमात्य के अपना विचार रखें। सम्राट, अनुभव में आया है कि कुछ राज्यों के शासक अपने राज्य की सीमा के बाहर तो सोचना ही नहीं चाहते, उनका स्वार्थ उनके राज्य की सीमा तक ही सीमित। अमात्य प्रेमेंद्र सेन, सभी पहाड़ों में कीर्ति रत्न और अमूल्य मणियां नहीं मिलती, सभी जंगलों में चंदन के वृक्ष नहीं उगते। हमें वैसे राज्यों को खोज निकालना होगा जहां के शासक हमारे विचारों के अनुकूल हैं, फिर वैसे राज्यों को जहां के अमात्य हमारे अनुकूल हैं। परिश्रोत वाले राजपुरुषों को खोज निकालना होगा और इस कार्य में हमारे गुप्तचर यंत्र सहायक सिद्ध होंगे, किंतु कुछ सभासद अपनी दुर्बलता को छोड़ ही नहीं पाते। उनका अपना स्वार्थ उनके ऊपर इतना हावी होता है कि उनकी उपस्थिति वहां के राज्यसभा के वातावरण को दूषित कर ही देती है। अमात्य सागर वसु, कांसे के बर्तन को राख से और तांबे के बर्तन को खटाई से शुद्ध किया जाता है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सभी तरह के साम दाम दंड भेद का उपयोग कर इन छोटी मोटी बाधाओं को दूर कर देना चाहिए। हाँ, नीम के पेड़ में दूध और घी से सींचने पर भी मिठास पैदा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें नीम के काट, निम्बोले और उसके पत्तों का उपयोग किसी और रूप में कर लेना चाहिए। आर्य महाभाग, इस कार्य के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण करना चाहेंगे आप? नहीं बंदा, नदी जब अपने तीव्र वेग से बहती है तो उसका जल शुद्ध होता जाता है। पर्वत से सागर तक की यात्रा में उसकी गति मार्ग में पड़ने वाले चट्टानी बाधाओं और समतल मैदानी भूमि पर निर्भर करती है। देश निर्माण के लिए समय सीमा का निर्धारण करना अदूरता है। हमें जितना संभव हो उतनी तीव्रता से इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा।
हो सकता है कुछ अत्यंत छोटे छोटे राज हमारे इरादों में बाधा हमारे प्रेमेंद्र सेन अत्यंत छोटे छोटे राज्यों के लिए शुरुआत में ही अपनी शक्ति का अपव्यय करना ठीक नहीं। मनुष्य यदि शेर की गुफा में जाएगा तो हो सकता है उसे हाथी के मस्तक का मोती मिल जाए, किंतु यदि गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे बछड़े की बूंद अथवा कभी आर्यावर्त के बाहर के राज हमारे इरादों में अड़चन पैदा कर सकते हैं। हम दुनिया से आई पहले अलग क्षेत्र और बाद में सेल्यूकस की आंधी समाप्त जरूर कर दी थी, फिर भी हमें राजनयिक षड्यंत्रों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म करने की इच्छा रखने वाले सदा हम मीठी बातें ही करते हैं और इसी प्रकार का व्यवहार हमें पश्चिम के राजनयिकों में दिखाई भी पड़ता है। आपने ठीक कहा, शिकारी जब हरिण का शिकार करने निकलता है तो मीठी आवाज में गीत गाता है, किंतु हम हरिण नहीं शेरों की संतान हैं। उनकी मीठी आवाज के गीतों के स्वर सुर ताल और शब्द हमारे कानों के लिए शोर के अलावा कुछ भी नहीं। अपने अपमान तथा पराभव का बदला लेने के लिए शत्रु का भीतर से भी हाथ अवश्य हो सकता है, इसलिए हमें पूर्ण रूप से सचेत रहना होगा। हमने 9 प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था की है, जिसके अनुशासन पूर्वक पालन से हम इस तरह के षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम हैं। अमात्यगण, आर्य महामार्ग द्वारा आज प्रस्तुत विचारों से मंत्री परिषद एक मत इस चर्चा को यही विराम देना चाहिए, किंतु हाँ, इसे कार्य रूप में ढालने के लिए और अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आज हमें निर्णय लेते हैं कि आर्य वर्ग को अखंड करने के विचार को प्राथमिकता देकर इस कार्य के लिए जो आवश्यक है उसे युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए और विचार विमर्श के लिए आर्य महामार्ग अपने सहयोग को चुनौती स्वतंत्र एकांत चलिए उसी ओर चलते हैं, संभवतः वो दक्षिणात्य ज्योतिषी भी वहां मिल जाए और उसकी
समस्या का समाधान नहीं कर सके। चलिए चलिए। एक राजा था भाई राजा था, एक राजा था भाई राजा था, एक राजा था भाई राजा था, वो कौन देश का राजा था, वो मगध देश का राजा था। अरे भाई कुछ भी कहिए, ये गीत सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। पंडित जी को प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। आप पंडित जान पड़ते हैं आपका देसी भी है। देखिए जैसे कि हम लोग भी आज ही गांव से नगर आए हैं और इस प्रकार से परदेसी हुए हैं, बस रहने और खाने पीने की व्यवस्था की खोज कर रहे हैं। भाई ये चना ये चना लीजिए हमारे खेतों का। जी धन्यवाद। जैसे कि आप हम लोग से पहले यहाँ आए हैं इसलिए क्या आप हम लोग का मार्गदर्शन कर सकते हैं? कह सकते हैं। बहुत होशियार रवैया हो भाई, आदमी को देखकर ही पहचान लेते हो। चलो तुम भी परदेसी हम भी परदेसी, तो क्यों ना एक दूसरे की सहायता करें। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लगता है किसी कल्याणकारी कार्य से यहाँ आए। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, पर कल्याण के कार्य में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है। अरे हम लोग किसी राज्य के हैं, आज तक उसे किसी कल्याणकारी कार्य में तो पढ़ते देखा है ना तो देखते सुना नहीं देखा। परंतु बंधु मैंने तो बिल्कुल इसका उल्टा सुना है। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने का अवसर मिले तो सही। पंडित जी ये तो बड़ा सरल काम है। जैसे कि हम लोग उनसे मिलने के लिए तो नगर आए हैं और हमें आशा भी है कि हम उनसे शीघ्र मिल भी लेंगे। तो जरूर आप लोग भी किसी कल्याणकारी कार्य के लिए उनसे मिलना चाहते होंगे। आप लोग आश्रम चलाते हैं, सम्राट से दक्षिणा वगैरह लेना। पंडित जी ऐसा है कि हम लोग अपने कार्य से मिलना चाहते हैं जिसमें उनका ही फायदा है। अच्छा। और अपने फायदे के बिना भला वो क्यों किसी से मिलने जाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, मैं भी उन्हीं के फायदे के लिए मिलना चाहता हूँ। ये बताइए ये सज्जन तभी से आए आए कर रहे हैं, ये आपके ही साथ है? जी हाँ जी हाँ, हम लोग पड़ोसी किसान है। अच्छा किसान है। हाँ। जरा ऊंचा सुनते हैं। राम राम। आप लोग भोजन और आवास की बिल्कुल चिंता ना करें। नहीं हम सरकार के सब उचित प्रबंध है, मैं आप दोनों को स्वयं वहां लेकर चलता हूँ। चिंता नहीं है बंधु, मनुष्य के जन्म के साथ ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। माँ के स्तन में दूध का हाथ भी आता है। क्या उचित विचार है इनके बंधु, इस तरह की बातें तो आचार्य चाणक्य के ही हमें सुने गए हैं। अरे नाम कहिए, हमारे यहाँ तो सभी आचार्य हैं गाँव गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बंधु अंधेरा हुआ ही चाहता है, चलिए हम लोग जाते हैं सराय में जम जाते हैं। देखिए कोई सर्दी भी हो गई है, चलिए सराय में चलते हैं फिर बातचीत करेंगे। आई 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 महोदय, तो यही खुली हवा में हम बैठ गए हैं, नहीं थोड़ी आपसे बातचीत का आनंद लेंगे। बिल्कुल 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 आनंद लेंगे। वैसे भी महामात्र की पुण्य भूमि में सब कुछ खुला खुला ही तो है। बंधु उनकी शिखा नहीं महोदय, शिखा कौन? उनकी पुत्री? नहीं भाई सुनिए, शिखा यानी कि चाणक्य जी की ये चुटिया। चुटिया भाई उनकी चुटिया ने क्या कमाल किया, दुष्ट राजा नर की बंद राजनीति को ही खोल कर रख दिया। कुछ भी कहिए बंधु, हमें इस नगर में बहुत आनंद मिल रहा है। आप कहाँ से आए? मैं दक्षिण के दूरवर्ती प्रदेश से आया हूँ, सम्राट चंद्रगुप्त से मिलना चाहता हूँ। सुना है आज और के सभी राजाओं के साथ उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, उनकी लग्न राशि कुंडली में बढ़िया योग है जो पूरे आर्य वर्ग के लिए शुभ है, बस एक बार उनके दर्शन हो जाए। राजा के समय का मूल्य होता है, वो क्या है? सबसे यूं ही मिलने? मैं जानता हूँ सम्राट के समय का मूल्य होता है, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से सम्राट क्यों मिलने लगे भाई? वही तो। परंतु बंधु विधि का विधान भी तो कोई चीज है कि नहीं है? भाई कौन जानता है, क्या पता मेरा भाग्य ही इतना बलशाली हो यह सब संभव हो जाए। गन्ना का गुड़ तुम हो स्वादिष्ट इस किसान बुद्धि में गुड़
बिना खजूर के अलावा कुछ है? सुनिए मैं बताता हूँ गुड़ बात। अपने कमजोरियों के बावजूद कुछ राज शब्दों पर जीवी गणतंत्र राज्यों ने बहादुर गौरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमलावर क्षेत्र के साथ युद्ध किया। वे राजनीति के इस आंधी में काल के गाल न समा जाए, इसलिए किसी न किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी बंधु, इन सभों को एक सूत्र में बांधने का और भारत वर्ष की अखंडता का कार्य तो अभी बाकी है। इतनी मोटी मोटी बातें हमारे मोटी मोटी किसान बुद्धि में नहीं समा रही, जरा खुल कर बताइए तो समझ में आए। क्या समझे? इसीलिए तो मैं सम्राट चंद्रगुप्त से मिलकर यही बताना चाहता हूँ। वे इशारों को बुद्धिमान चाणक्य अवश्य समझे, आचार्य तो विलक्षण है। उन्होंने अपने साम्राज्य में शासन की व्यवस्था की है। विशाल अर्थशास्त्र लेखन प्रक्रिया मात्र न अपने आप में संपूर्ण कार्य ईश्वर से समिति है। ज्ञान वाले युगों में भारतवर्ष को इसी प्रकार के शासन करना मिलते रहे। भाई भाई तो आचार्य से मिलने की कल्पना ही नहीं करता। बस एक बार सम्राट से मिलकर उन्हें बतला दूं तो मेरा काम खत्म। अरे राम कहिए, बतला देने मात्र से काम खत्म होता है? अरे किसान को खेती घर तक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। और मैं मेहनत करने से नहीं घबराता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है मनुष्य जीवन जगत की बहुत दुर्लभ है। बुद्धिमान और परिश्रमी लोग धर्म पर आधारित कर्म करने के लिए मृत्यु की भी परवाह नहीं करते। किंतु मनुष्य तो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। देखिए ये साधारण विचार हो सकते पर पूरा सत्य नहीं है। आचार्य चाणक्य के पैर पर काटे चुभे तो वे जूते पहने का काम खत्म। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनकी जड़ों पर मट्ठा डाल उनका संपूर्ण नाश किया, जिससे कि औरों के पैरों में कांटे न चुभे। लोभी दुष्ट राजा नंद के वंश का भी समूल नाश इन्हीं कांटों के भांति हुआ। भाई आचार्य चाणक्य चाहते तो अपने निजी स्वार्थ के लिए राजा नंद के बाबा तो बन जाते, उन्हें कौन रोकता था भाई। पंडित जी जो है कि आचार्य चाणक्य तो एक ही है। एक ही है आचार्य चाणक्य, एक है, पर हमें एक नहीं अनेक चाणक्य चाहिए। आज भारत के सभी राज्यों में चाणक्य पैदा कर रहे होंगे। बंधु आप पैदा करेंगे क्या कहा आपने? Thank you.
रात्रि की शीतल छाया का सुखद प्रस्तुत। मस्तिष्क को ढीला छोड़ देने के लिए ये मधुर चषक। तुम्हारे इस सौभाग्य की चर्चा में मैं भी क्या चले तो? पुरुष के लिए पूर्ण पुरुषत्व की सुख के अनुभव नारी के बिना कैसे संभव? अपने कमजोर समय में सम्राट भी एक साधारण पुरुष ही होता है। शायद मैं भी ये समझ चुकी हूँ। अब रात्रि का विस्तार फैलने दो और कुछ समय के लिए मित्र का साम्राज्य छाने दो। तुम सो जाओ, पर सोने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दोगे? कैसा प्रश्न? तुम्हारे मुख से मैंने मेरे लिए हमेशा मिलन सभी सुना। इस साम्राज्य में रानी बनने के बाद मुझे भाग्य लक्ष्मी दिया गया नाम तुम्हारे भक्तों ने एक बार भी उच्चार नहीं किया। तुमने याद दिलाया तो याद आया तुम्हारा नया नाम है। वैसे ही छोटा भी है और प्यारा भी। हाँ है, पर मुझे लगता है ये नाम मेरे पुराने संबंधों से मुझे कठिन नहीं लगता। जब भी तुम्हारे मुझसे हेलन चुकती मेरी यवन दृष्टिभूमि सामने आ रही और मुझे लगता है मेरा राजा मुझे अपनी भाग्यलक्ष्मी मानता ही नहीं। नारी पुरुष के रिश्ते में रात के विशेष इस्तेमाल हुए। अब सो जाओ और सोने दो। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा। मुझसे
क्योंकि इस प्रश्न का आपसे संबंध है। उससे संबंध है? क्यों? क्योंकि आप राज्य के महामात्य हैं। अवश्य अवश्य महामात्य हूं, किंतु महामात्य से प्रश्न करने की एक पद्धति होती है। महामात्य से प्रश्न मंत्री परिषद में किए जाते हैं या अपने विशेष निजी कक्ष में पुराकर। यदि महामात्य की निष्ठा पर शंका हो तो उसे बेड़ियों से जकड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके किए जाते हैं श्रीमंत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं नहीं, आप मेरे आचार्य। आचार्य हूं तो बस, किंतु आचार्य से प्रश्न करने की अपनी एक पद्धति होती है। प्रश्नों के उत्तर से शिष्यों के ज्ञान में वृद्धि होती है। शिष्यों की उदंडता के लिए आचार्य उसे दंड भी दे सकता है। आचार्य, मैं दंड स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु एक राजा के मन में उठे स्वाभाविक प्रश्न के उत्तर की भी आशा न करूं। और यह प्रश्न एक राजा के व्यक्तिगत जीवन के संबंध सत्ता से जुड़ा हुआ है, उसके अंतर्गत कार्य करने वाली तमाम कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, एक कार्य पद्धति और उसकी सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, कृपा कर उत्तर दे। बस अथर्ववेदीय प्रश्न परिचय के प्रारंभ में ही तुमने पढ़ा था कि ऋषि मुनि आचार्य विलास के समक्ष कुछ अत्यंत ऋषि पुत्र जो मेघावी भी थे, सुकेशा, कबंधी, सत्यकाम आदि उनके पास आए, वो पर ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु थे। उन्हें लगा कि आचार्य ऋषि मुनि विलास उनके प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे देंगे, किंतु आचार्य ऋषि मुनि विलास ने उन्हें एक वर्ष तक साधारण शिष्य की तरह रहने का अपने आश्रम में आदेश दिया, क्योंकि आचार्य प्रहलाद ये देखना चाहते थे कि उनके ये शिष्य उत्तर ग्रहण करने लायक है या नहीं। तुम्हें प्रश्न निषेध का ये प्रकरण याद है ना? याद है ना? याद है आचार्य, और ये भी याद है कि एक वर्ष बाद आचार्य प्रहलाद ने उनकी जिज्ञासाओं को भली भांति शांत। आपके इस इंगित को मैं भली भांति समझ गया आचार्य। मुझे सम्राट बने समय ही कितना बीता है, लेकिन मैं स्वयं को स्वयं को समझने का भूल कर बैठा आचार्य। मैं अपने उदंडता के लिए शर्मिंदा हूं आचार्य। आप मुझे दंड दे आचार्य, आप मुझे दंड। उठो आचार्य, उठो। तुम्हारे लिए दंड इतना ही है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए विशेष मुद्रिका धारण किए हुए किसी भी गुप्तचर पर खड़क नहीं उठाओगे, क्योंकि उन्हें मेरे आदेश हैं कि वे तुम्हारे और राज्य के विशेष राजपुरुषों के लिए कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। सुनो सखा, कल बोधनी में मैं भारत प्रसादा हूं, ये सूचना तुम स्वयं महारानी को दो। राजमहल के अंतरंग कमरे में मेरी उनसे भेंट हो, जहां हमारी बातचीत न कुछ सुन सके न देख सके। पास के ही कमरे में तुम रहोगे, जहां तुम महारानी के बिना जानकारी दिए सब कुछ देख सकोगे और सुन सकोगे। महारानी के शरीर पर कुछ लोग ना कोई रत्न होगा ना धातु, पर तुम भी निशस्त्र और मौन रहोगे। उत्तेजना की घड़ी में भी तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आस पास ना परिचारिकाएं होंगी ना अंगरक्षक। हट्टा